So, namaste my friends. Today we are going to learn grounding of the Mooladhara Chakra and aura shielding. ये मैं हिंदी और इंग्लिश में बोलूँगी ताकि सभी लोगों को ये समझ में आए. So, grounding of the Mooladhara Chakra, ये एक visualization process है. This is a visualization process. When you are listening to this, you sit in a meditative pose. अब meditation में रहिए. पहले breath watch करिए. Do your breath watch first. Put your earphones and just listen. It's a visualization. आप आँखें बंद करके close your eyes and इसको visualize कीजिए. It's a very simple process. You just have to visualize it. Okay, so sit in a meditative posture with your back straight, chin parallel to the ground, eyes closed. And watch your breath for a few seconds. Now take your focus to the Mooladhara Chakra or the Root Chakra. अपना focus Mooladhara Chakra या Root Chakra पे लेके जाइए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे है, which is at the perineum of your body. वहीं पे आप विजुलाइज करेंगे, you will visualize, आप इमेजिन करेंगे एक मूल, मूल मतलब एक रूट, जो एक पेड़ का एक मेन रूट होता है, वो रूट, वो मूल आपके मूलधार चक्र से नीचे जा रहा है. इट इज गोइंग डाउन टू द सर्फिस ऑफ द अर्थ. वो धरती के सर्फिस पे गया है और वो धरती के सर्फिस को चीरता हुआ अंदर अंदर जा रहा है. इट इज ब्रेकिंग ओपन द सर्फिस ऑफ द अर्थ एंड द लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड गोइंग डीपर एंड डीपर. वो अंदर अंदर जाता है, ओपनिंग अप द लेयर्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के सारे लेयर्स को चीरता हुआ डीपर एंड डीपर. इट्स गोइंग डीप एंड वेरी डीप. वो इतना डीप जाने की कोशिश करता है, ट्राइज टू गो सो डीप दैट इट ट्राइज टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो धरती के, प्लैनेट के सेंटर पे जाके पहुंचने की कोशिश करता है. वेयर द सॉइल इज वॉर्म एंड मॉइस्ट, जहाँ मिट्टी अच्छी सी गीली है और उबदार है. जब वो रूट वहाँ पे जाके पहुँचेगा धरती के सेंटर पे, व्हेन द रूट रीचेस देयर, द रूट विच इज कमिंग आउट ऑफ द मूलाधार चक्र, ये रूट, ये मूल जो धरती के सेंटर पे जाके जब पहुँचता है तो वहाँ उसको पकड़ के रखेगा, इट एंकर इटसेल्फ देयर. इस प्रोसेस को विजुलाइज कीजिए, एंकर योर टैप रूट देयर. अब ये विजुलाइज कीजिए कि आपके पैरों के तलवे, नाउ विजुलाइज फ्रॉम द सोल्स ऑफ योर फीट, पैरों के तलवों से बहुत सारे मूल, लॉट्स ऑफ रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द सोल्स ऑफ योर फीट. बहुत सारे मूल आ रहे हैं, बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं जो मदर अर्थ को बाहरी तौर से हग कर रहे हैं, जो मदर अर्थ को बाहरी तौर से हग कर रहे, दे हगिंग मदर अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड. दिस टाइम यू कैन ऑफर योर प्रेयर टू मदर अर्थ. आप अपनी प्रार्थना दीजिए मदर अर्थ को, फॉरगिवनेस मांगिए फॉर ऑल दैट यू हैव डन टू हार्म हर. गिव हर योर लव, उसको आपका प्रेम दीजिए. धरती के ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर प्रेम दीजिए. एंड ग्रैटिट्यूड, gratitude dijiye, gratitude for all that the planet has done for us. Phir dusra visualization, aapke sahasrahar chakra se ek golden rod, from your sahasrahar crown chakra a golden rod is going up towards the skies. Wo aakash ki taraf ja raha hai, aakash ko cheerta hua अपने मिल्की वे गैलेक्सीज के बियॉन्ड. इट्स गोइंग बियॉन्ड द मिल्की वेज एंड गैलेक्सीज, इट्स गोइंग इन दैट स्पेस. वो जो वैक्यूम है उसके अंदर जा रहा है, वहीं से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. ये गोल्डन रॉड वहीं से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है.
जहाँ पे डिवाइन लाइट है, जहाँ पे वो स्रोत है, जहाँ पे वो दिव्य शक्ति है, जहाँ पे वो दैविकता है, वो डिवाइन लाइट है, ट्राइंग टू रीच टू दैट डिवाइन लाइट. वंस इट रीचेज दैट डिवाइन लाइट, एंकर योर गोल्डन रॉड देयर. तो आप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉडी, शरीर के बॉटम से आप पृथ्वी से पूरी तरह से जुड़े हैं और ऊपर से आप डिवाइन लाइट से जुड़े हैं. फील दैट स्टेबिलिटी, इस स्टेबिलिटी में रहिए. इस धरती से आपको कोई नहीं शेक कर सकता. इस धरती, नोबडी कैन शेक यू फ्रॉम दिस प्लैनेट. यू आर बिल्कुल, आप स्थिर है, यू आर एब्सोल्युटली स्टेबल ऑन दिस प्लैनेट. बी इन दैट स्टेबिलिटी फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स. नाउ ग्रेजुअली पुल दैट टैप रूट एंड पुट इट बैक इन द मूलाधार चक्र. वो जो रूट है, जो मेन मूल है, उसको वहाँ से निकाल के वापस आपके मूलाधार चक्र में डालिए. और पैरों के तलवों से जो रूट्स निकल आए हैं, वो वापस आपके पैरों के तलवों में डाल दीजिए. पुट दोज रूट्स बैक विच हैव कम आउट फ्रॉम द सोल्स ऑफ योर फीट बैक इन टू द सोल्स ऑफ योर फीट. ऑल्सो जो गोल्डन रॉड ऊपर सहस्रार चक्र से ऊपर गया है डिवाइन लाइट की तरफ, उसे वापस आप क्राउन चक्र में डालिए. गेट दैट रॉड बैक एंड पुट इट इनटू योर क्राउन चक्र. दिस इज ग्राउंडिंग ऑफ द मूलाधार चक्र. अब हम जाते हैं ऑरा शील्डिंग की तरफ. ऑरा शील्डिंग, अगेन आंखें बंद रहेंगी आपकी. ऑरा शील्डिंग आपको विजुलाइज करना है कि आप एक गोल्डन बलून में बैठे हैं. विजुलाइज दैट यू आर सिटिंग इन अ गोल्डन बलून. ये गोल्डन बलून, वो आपके पैरों के नीचे से जाना चाहिए. इट हैज़ टू गो फ्रॉम अंडर योर फीट. मेक श्योर, आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोई क्रैक्स ब्रेक्स कुछ भी नहीं है. नो क्रैक्स एंड नो ब्रेक्स शुड बी देयर. सी दैट द बलून इज फर्मली कवर्ड और आप उस बलून के अंदर हैं. ये बलून 24 इंचेस आपके शार्प फिजिकल बॉडी से दूर होगा. दिस विल बी 24 इंचेस अवे फ्रॉम योर फिजिकल बॉडी. इस बलून के अंदर ऑल दोस पीपल, ऑल लव्ड वंस, इस बलून के अंदर सारे आपसे जो प्रेम करते हैं वो लोग होंगे. आपके इष्ट देवत, आपके ईश्वर, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, मास्टर्स, गॉड्स, ये सारे उस बलून के अंदर हैं जो आपको प्रोटेक्ट, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपका ख्याल रख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं. दे आर ब्लेसिंग यू एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू. इस बलून के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती. अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो वो वापस फेंकी जाती है टू द यूनिवर्स. नो नेगेटिविटी कैन एंटर इनसाइड दिस बलून. व्हाटएवर नेगेटिविटी दैट टचेस द बलून गेट्स थ्रोन बैक इनटू द यूनिवर्स. So, no negative people, no negative thoughts, no negative experiences, nothing negative can enter inside this balloon. कोई किसी भी तरह की negativity इस balloon के अंदर नहीं आ सकती. ये आपका सुरक्षा कवच है. अब ये कब करना है? मूलाधारा grounding and aura shielding आपको सुबह को ही करना है. First thing in the morning, because जब आपका grounding होता है और aura शील्डिंग होता है, फिर आप दिन भर कहीं भी जाओ, कुछ भी काम करो, यू आर सेफ. ऑरा को रात को नहीं करना चाहिए चीज को, बिकॉज ऑरा ब्रेक्स व्हेन यू स्लीप. आप जब सोते हैं तो ऑरा टूट जाता है. इसके लिए रात को करने का मतलब नहीं बनता. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको ऑरा शील्डिंग और मूलाधार ग्राउंडिंग करनी है. शुरुआत में आप ये हेडफोन्स लगा के इसको फॉलो करें. आपको जब उसकी आदत हो जाएगी, विजुलाइजेशन ईजी हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. इट डजेंट टेक मोर देन 15 सेकेंड्स. सो ये फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप ऑरा शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग कर दीजिए. दिस विल कीप यू प्रोटेक्टेड ऑलवेज एंड इट विल मेक यू फील वेरी स्टेबल ऑन दिस प्लैनेट. ये आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा और आपकी, आपको स्थिरता महसूस होगी ये करते वक्त. ओके, so please follow this grounding of the Mooladhara Chakra and Aura Shifting. Thank you very much. Namaste.